हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कैसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, बाइक को, विदाउट किक स्टार्ट। अगर आपका गाड़ी कहीं पे बैटरी फेल कर जाए तो ये आप नुस्खा यूज़ कर सकते हो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बाइक जो कि विदाउट किक स्टार्ट हो। तो नॉर्मली ऑटो स्टार्ट होने से प्रॉब्लम यही है, मैं भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत जन भी ये रिक्वेस्ट किए हैं कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें विदाउट बैटरी, तो मैं इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो एंड में अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यूजुअल हम इवनिंग को निकले हैं, तो ऐसा एक प्लेस ढूँढेंगे जहाँ पर हम फ्रीली गाड़ी को टेस्ट कर सकें, गाड़ी को स्टार्ट कर सकें विदाउट एनी हैसल। तो ट्रैफिक होने से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, तो हम ऐसे ही जगह ढूंढ लेंगे। तो आप देखेंगे वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा हमने कौन सा लोकेशन चूज़ किया है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप ये रिस्की टेस्ट या स्टंट किसी भी क्राउडेड प्लेस में या ट्रैफिक जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे ट्राई मत कीजिए। आप एक ऐसा ही प्लेस ढूंढिए जहाँ पे खाली हो जगह, या रास्ता पूरा खाली हो, ज़्यादा पब्लिक और क्राउडेड लोग ना हो, ताकि उनको ना परेशानी हो ना आपको प्रॉब्लम हो कोई। तो हम ऐसे ही एक प्लेस अभी ढूंढने जा रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों हम पहुंच गए हैं शिखर चंडी पहाड़ के पास, यहाँ पे थोड़ा रास्ता खाली रहता है तो हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने में इजी होगा। तो हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्लोपिंग होगा तो स्टार्ट करने में इजी होगा गाड़ी को। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये उन लोगों के लिए है जिनका गाड़ी बैटरी, जिसका गाड़ी का बैटरी ख़त्म हो जाता है तब वो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। अच्छे हो तो मिल गया मुझे पॉइंट जहाँ से मुझे गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो मैं कर देता हूँ गाड़ी को ऑफ। ओके, तो गाड़ी अभी ऑफ स्टेट में है। तो दोस्तों गाड़ी अभी ऑफ स्टेट में है, तो मैं करूंगा गाड़ी को स्टार्ट विदाउट ऑटो स्टार्ट, बिना ऑटो स्टार्ट यूज़ किए मैं स्टार्ट करूंगा। और जैसे आप देख पा रहे हो मेरा किक स्टार्ट नहीं है, तो किक स्टार्ट नहीं होने की वजह से तो आपको बिना बैटरी के स्टार्ट करना इजी नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी। पहले गाड़ी के ऊपर बैठेंगे। ओके, अभी देख पा रहे हो न्यूट्रल में है गाड़ी, तो न्यूट्रल में आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। मैं साइड स्टैंड हटा देता हूँ, थोड़ा मेहनत वाला चीज़ है, अगर ये स्लोप ना हो तो थोड़ा मेहनत वाला चीज़ है। तो थोड़ा स्लोपिंग अब देखो, जहाँ पे स्लोप होगा तो वहाँ पे ये करोगे आप, वहीं पे ही ट्राई कर सकते हो और ईजी होगा। आपको देखना है जीरो टू, ये जीरो है वो 15 किलोमीटर जब दिखाएगा तब आपको गाड़ी का सेकंड गियर डालना है, समझ रहे हो आप? आपको जब भी 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ दिखाएगा स्पीडोमीटर में तब आपको सेकंड गियर डालना है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ विदाउट ऑटो स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी गाड़ी का ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी अभी ये कर रहा है। तो जब भी ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तब मैं गाड़ी स्टार्ट कर दूँगा। स्टार्ट स्टैंड में है गाड़ी और ये 0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, गाड़ी ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। तो नॉर्मली ये
जब भी आपका बैटरी फेल कर जाता है तभी प्रॉब्लम होता है। मेरा भी बहुत बार ये हुआ है, ये सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम हुआ है। विदाउट किक स्टार्ट के गाड़ी में जो ऑटो स्टार्ट होता है उसी में ही होता है प्रॉब्लम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपका एक स्लोपिंग होना ज़रूरी है। आपका एक ऐसे जगह में होना चाहिए आपको जहाँ पे थोड़ा स्लोप हो, तो वो होने से इजीली आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जीरो किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे ये 15 किलोमीटर पर आवर तक हो जाए, तब आप सेकंड गियर डाल दोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले अभी न्यूट्रल पे है गाड़ी, तो मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ, गाड़ी को फ्रीली छोड़ देता हूँ। अब ये भाग के भी कर सकते हो, लेकिन उतना एनर्जी होना चाहिए। तो देख रहे हो जैसे टेन किलोमीटर पर हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो जब भी 15 किलोमीटर पर आवर को दिखाए तो आप सेकंड गियर डाल दीजिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, क्योंकि कुछ कुछ गाड़ी में 12 किलोमीटर पर आवर भी स्टार्ट हो जाता है। आपके गाड़ी के सीसी के ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कभी कभी 13 किलोमीटर पर आवर में भी स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली ये 15 किलोमीटर होने से बेटर है, 15 टू 16 किलोमीटर होने से गाड़ी को थोड़ा अच्छा इनर्जी मिलता है गाड़ी को स्टार्ट करने में। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, जब यह आपका बैटरी फेल कर जाए तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। मैं बताऊँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।